भद्रक रे कोइला बुझे ट्रेन लाइनच्युत तिहिड़ी पालिया मध्ये लाइनच्युत हेला ट्रेन धामरारु भद्रक अभिमुखे आसुथिला कोइला बुझे ट्रेन रो 8टी बोगी लाइनच्युत होइछे तेबे लाइनच्युत हेबार कारण स्पष्ट होइनाही धामरा भद्रक रेल चलाचल बंद रहिछे घटनास्थल रे रेलवे कर्मचारी पहुंची काम आरंभ करिछन्ते संपर्क में अधिक सूचना देवा पई फोन लाइन रे जोड़ी होती हम प्रतिनिधि सर्वेश्वर नाथ सर्वेश्वर वर्तमान सुधा जना पड़ा ट्रेन लाइनच्युत होबार कारण कौन जदिओ वर्तमान सेठारे पहुंची सारी रेल कर्मचारी अफिसर नहीं बर्तन मधु तो फैक्ट फाइंडिंग टीम से पहुंची ना जो धामरारु भद्रक जो रेल लाइन से केवल मालवाही ट्रेन चलाचल करे कौन यात्रीवाही ट्रेन से चलाचल करे ना आज सका प्राय सतटा समय धामरारु भद्रक अभिमुखे जो गोटे कोईला बुझे ट्रेन आसला जो ट्रेन टा कि खड़गपुर जबार ठीक से जो तिहि पालिया मध्य गोटे जिजारपुर गोटे जगह अच्छी से जगार भयंकर शब्द होता मान एत शब्द होता स्थानीय लोक मैंने भयभीत हो जाते ट्रेन इंजिन पास करगला इंजिन सहित जो चारिटा बगी सी मत पास कर जो आठटी बगी से बगी लाइनच्युत नहीं पूरा ओलटी पड़ी ट्रेन लाइन रभय पार्श्वक ओलटी पड़े कोईला बाहर को तले पड़ जाइए जो पछ बगी गुड़ाक सब सुरक्षित रही बोध हुए ट्रेन रीड अधिका था निश्चित भाव में कहुई पार ट्रेन ड्राइवर एक बड़ दुर्घटन ट्रेन को रक्षा कर देखते कारण आठटी बगी जमी भाव में पड़ी निश्चित भाव में जो पछ बगी गुड़ा चढ़ी जबार संभावना था से जगार के स्पीड लिमिट था ट्रेन केते बगी केते स्पीड रे चलुला जेहेतु इंजिन पास कर चारिटा बगी पास कर जो पछ आठटी बगी केमी ओवरलोडा फैक्ट फाइंडिंग टीम आसी पहुंचे कि ट्रेन लाइन अवस्था बर्तमान जहां अच्छी मानने ट्रेन रगी अवस्था जहां अच्छी निश्चित भाव में दु तीन दिन समय लगे मैंने स्वाभाविक करने सेपटे ट्रेन चलाचल करने जेहेतु से केवल धामरा बंदर ही से ट्रेन लाइन टाक व्यवहार करे केवल बंदर को ट्रेन जाए धामरा बंदर माल मैंने नवा आई से ट्रेन लाइन निजे धामरा बंदर से ट्रेन लाइन को करवाह ट्रेन चलाचल करना तेणुतर उपरीत अधिकारी मैंने ट्रेन रेल विभाग के आसी पहुंच किंतु ट्रेन को केमी भाव से आनी हम इंजिन सहित जो चार बगी अच्छी से नहीं आज आठटी बगी को मैंने बाहर कला ट्रेन लाइन मरामती कर मधु निश्चित भाव लाइन क्लीयर करने आहरी दुई रु तीन दिन समय लगे जाए रेल चलाचल से ही रूट्रे स्वाभाविक हे कि वर्तमान सुधा यह दुर्घटनार कारण कौन स्पष्ट होना जमापड़ना